आतंकी धमाके, गरीबी और भूखमरी की मार झेल रहे पाकिस्तान के सामने एक और समस्या आ खड़ी हुई है। अब आतंक के पोषक इस देश की जनता दवाइयों की किल्लत का सामना करने जा रही है। अपनी ही सरकार से परेशान पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री ने काम बंद करने की चेतावनी दी है। दरअसल पाकिस्तान में फार्मा कंपनियों को मौजूदा कीमत पर ही दवाइयां बेचनी पड़ रही हैं, जिससे कंपनियों को भारी घाटे का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कच्चा माल मिलने में हो रही परेशानी के कारण उनको प्रोडक्शन में भी काफी दिक्कत आ रही है, जिसके कारण पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने सरकार से दवा की कीमतों में वृद्धि की मांग की है। संगठन ने सरकार और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के सीईओ को पत्र लिखकर दवाओं की कीमतों में वृद्धि की मांग की है। पत्र में फार्मा इंडस्ट्री ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर सरकार ने एक हफ्ते में कीमतें नहीं बढ़ाई तो वह देश भर में अपने कारखाने बंद कर देंगी। संगठन ने पेट्रोलियम उत्पादों और अमेरिकी डॉलर की दरों में वृद्धि की भरपाई के लिए दवा की कीमतों में वृद्धि की मांग करते हुए कहा कि दवाओं का निर्माण और उनकी मौजूदा कीमतों पर बिक्री करना असंभव हो गया है। एक तरफ जहां पाकिस्तान का हाल गरीबी, महंगाई, आतंक और भूखमरी से बेहाल है, वहीं दूसरी तरफ फार्मा कंपनियों की इस धमकी से सरकार की सांस अटक गई है। आर्थिक रूप से बदहाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान के लिए अपनी दवा कंपनियों को ठीक से चला पाना कठिन हो रहा है, जिससे इस बदनसीब मुल्क की आवाम के सामने जीवन का संकट खड़ा हो गया है।